नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई रेसिपी में। जिन लोगों को भी लौकी खाना पसंद नहीं है ना, इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। एक ही मानिए 100% दावे के साथ कहती हूँ, लौकी के बिल्कुल दीवाने हो जाएंगे और हफ्ते में दो बार तो जरूर बनाएंगे, क्योंकि इसका टेस्ट ही लाजवाब होने वाली है। इस रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे 150 ग्राम की लौकी ले लिए है। लौकी बिल्कुल कच्ची ले लेनी है और आपको थोड़ा सा धब्बे टाइप का दिख रहा होगा। अगर आप कोई भी सब्जी लाने के बाद में फ्रिज में स्टोर करते हैं ना, तो एक दो दिन बाद में इस तरह की हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। और लौकी के जो दोनों तरफ के हिस्सा है ना, इस साइड और इस साइड जो है, सबसे पहले काट कर ले लेने हैं। फिर हम लौकी को इस तरह छील कर ले लेंगे। लौकी को हमने यहाँ पे छीलने के बाद में दो टुकड़े कर लिए है। आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल बीज नहीं है, यानी कि बिल्कुल ही कच्चे है। तो इसी तरह की लौकी ले लेनी है। यहाँ पे बारीक वाला जो ग्रेटर है उसकी मदद से हम इसे इस तरह ग्रेट करके ले लेंगे। तो जी आप देख सकते हैं लौकी को मैंने बहुत ही बारीकी से इस तरह से ग्रेट करके ले लिया है। इसमें हम डालेंगे 4 छोटे चम्मच बेसन, आधी चम्मच साबुत जीरा, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा अनुसार नमक, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब बिना पानी डाले सारे सामग्री को मिक्स कर लेनी है। देख सकते हैं बिना पानी डाले बहुत अच्छे से मिक्स हो रही है, क्योंकि लौकी में ऑलरेडी काफी मात्रा में ऑर्गेनिक मॉइस्चर होती है, इसलिए पानी की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है। तो मिश्रण हमारी देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लगकर रेडी हो चुकी है। मैंने कढ़ाई में पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया। आप देख सकते हैं पानी में जो है बहुत ही अच्छे से बबल्स आ चुकी है, यानी हमें जो पानी है बहुत अच्छे से गर्म हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे इस तरह से पहले तो लंबे आकार में कर लेंगे, उसके बाद में हल्के हाथ से दबा देंगे तो इस तरह चपटे की तरह हो जाएगा। इसे हम गर्म पानी में डाल देंगे, लेकिन पानी को बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है। अब हम इसे मीडियम टू फुल गैस पर इस तरह बॉयल करके ले लेंगे। 2 से 4 मिनट बाद में आप देख पा रहे होंगे ये जो मिश्रण है, यानी लौकी का जो मिश्रण है, वो अपने आप ही ऊपर आ चुकी है। तो अब एक बार है ना हमें पलट देनी है, इससे पहले बिल्कुल ना पलटे, नहीं तो है ना ये मिश्रण टूट सकती है। देख सकते हैं हल्के हाथों से हमें इस तरह से पलट देना है। तो जी 5 से 7 मिनट बाद में आप देख सकते हैं कि ये जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से बॉयल हो चुकी है। तो चलिए अब हम लौकी की इन पीसेस को उतार लेते हैं, क्योंकि मिश्रण को हमने इसमें उतार लिया है। ऊंचा आकार में इस तरह कट कर लेंगे। आप पीसेस जो है छोटा बड़ा कैसे भी कर सकते हैं, या फिर आप इसे साबुत भी रहने दे सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। तो देखिए मैंने इसे जो है इस तरह मीडियम साइज के टुकड़ों में बिल्कुल कट कर लिया है। 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, आधी चम्मच जीरा, जीरा दालचीनी को आधे मिनट तक फ्राई करने के बाद में यहाँ पर ले लिए 1 मीडियम आकार का प्याज, इसे डाल देंगे। 1 इंच अदरक को ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके ले लिया है, इसे डालेंगे। 7 या 10 से 12 लहसुन को हमने इस तरह थेता करके ले लिए, यानी कि कूट कर ले लिए, इसे डाल देंगे। आप चाहे तो अदरक लहसुन का पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस को इस टाइम हम मीडियम टू लो के बीच में रखेंगे और लगातार चलाते हुए सारे सामग्री को फ्राई करके ले लेनी है। तो जी आप देख सकते हैं हमारे जो प्याज है इसका कलर बिल्कुल ही गोल्डन ब्राउन कलर का हो चुकी है। इस प्याज को फ्राई करने में हमें मीडियम टू लो गैस पर 4 से 5 मिनट का समय लगा है। अब मैंने यहाँ पे 1 टमाटर को ग्रेट करके ले लिया है, इसे डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, सारे सामग्री को लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। मसाला जब अच्छे से मिक्स हो जाए धीमे गैस पर 3 से 4 मिनट के लिए ढक देंगे, ताकि हमारे मसाला और प्याज टमाटर बहुत ही बढ़िया तरीके से पककर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो जी देख सकते हैं मसाला में से ऑयल जो है ऊपर आ चुकी है, यानी हमारा जो मसाला है बहुत ही अच्छे से पककर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब सब्जी के ग्रेवी के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे जो हम लौकी और बेसन इस पानी में उबाल के रखे थे ना, उसी को डाल दिया है। कच्चा पानी का इस्तेमाल नहीं करना। उस पानी में बेसन और लौकी का फ्लेवर भी है, साथ ही बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है, और गर्म पानी डालने से सब्जी का टेस्ट भी दुगुनी हो जाती है, तो हमने उसी का इस्तेमाल किया है। ग्रेवी में बॉयल आ जाने पर हमने यहाँ पे जो लौकी के टुकड़े करके रखे थे उसे डाल देंगे इस तरह से। अगर आप इस तरह से सब्जी बनाएंगे ना, तो कोफ्ते को जो आप ऑयल में फ्राई करते हैं वो ऑयल में आपको फ्राई नहीं करना पड़ेगा। इसकी वजह से सब्जी जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, साथ ही टेस्ट बनेगा। अब साथ ही हम डालेंगे सब्जी के टेस्ट को और भी ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए 1 चम्मच गर्म मसाला पाउडर। सब्जी को एक बार गर्म मसाला के साथ में अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरीके से एक बार लौकी का सब्जी जरूर ट्राई करें। एक मानी इसका जो स्वाद है ना, और सब्जी की तुलना में, यानी और लौकी की सब्जी की तुलना में बहुत ही अलग आती है। साथ ही इसमें ऑयल की जो क्वान्टिटी है काफ़ी मात्रा में कम भी होती है, क्योंकि हम इस सब्जी को जो है पानी में बॉयल करके ले लेते हैं। अब गर्म मसाला के साथ मिक्स करने बाद में हमने सब्जी को 2 से 2.5 मिनट तक मीडियम टू लो गैस पर और पका लिया था। उसके बाद में डाला है कस्तूरी मेथी। आप कस्तूरी मेथी की जगह पे हरा धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जी कस्तूरी मेथी के साथ में अच्छे से मिक्स करने बाद में हमने सब्जी को मीडियम टू लो गैस पर फिर से 2 से 2.5 मिनट के बीच में पका लिया था। आप देख सकते हैं सब्जी का गाढ़ापन बिल्कुल परफेक्ट है। इसके साथ ही हमारे जो लौकी का टुकड़े हैं वो भी बहुत ही बड़ी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं, यानी हमारी जो सब्जी है पककर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप इस सब्जी को चावल रोटी किसी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो जी चलिए सब्जी को परोस लेते हैं। आप भी इस तरीके से नई और अनोखी अंदाज में लौकी की सब्जी को एक बार जरूर ट्राई करें। लेकिन मैंने जो भी नहीं खाएंगे ना, वो भी इस सब्जी को हफ्ते में दो बार जरूर बनाएंगे, क्योंकि इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होती है।